हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा आप लोगों को पता था कि पिछले ब्लॉग में अपन लोग आए थे यहाँ पे छातागढ़ में, और ये छातागढ़ पीछे ही वाला जगह है। अगर आप लोग पिछला ब्लॉग नहीं देखे हो ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करके रख दिया हूँ। और अभी हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, और भाई यहाँ पे ट्रेन आते रहती है, जैसे अभी एक ट्रेन आ रही है देखिए। यहाँ पे ना अभी तक सिर्फ अपन को एक पैसेंजर ट्रेन दिखी है, बाकी सब तो ना मालगाड़ियाँ ही गई है। तुम लोग चलो, आ रहा हूँ वहां से, आप लोग को एक बार व्यू दिखा के आता हूँ। और भाई देखो क्या ही मस्त लग रहा है, मेरी गाड़ी होंडा SP125, इसका भी मैं व्लॉग बना चुका हूँ। यहाँ से कुछ ऐसे दिखता है ये, और आप वहाँ अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोग को। वहाँ पे बहुत मतलब पूरा वाइब है। वो देखो वहाँ पे नीचे दिख रहे हैं ना लड़के लड़की लोग, वहाँ पर उन लोग भी हैं। तो आप लोग ऐसा पिकनिक रुक सकते हो यहाँ पर। तो चलते हैं, दोस्त लोग भी सब लोग निकल गए हैं। तो गाइज़ ये आ गया है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है अपन का टोल प्लाजा जो आते टाइम भी पड़ा था। भाई इसका परफॉर्मेंस ना बहुत तगड़ा लगा है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन में ना इसको ऑफ रोडिंग किया इसके साथ, बाइक के साथ, और मैं इसको आज हाई स्पीड में लेके गया। 110 बोलती है कंपनी, लेकिन 100 जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी गाड़ी ना, 100 तक जाने में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, बट एटलीस्ट 100 चल दिया। दो बार शायद ले नहीं, एक ही बार लेके गया। अगर गाइज आप लोग हेलमेट पहन के ट्रैवल करते होगे ना, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग हेलमेट निकालते हो और आपका बाल कैसा हो जाता है। मेरा तो ना हमेशा ऐसी भाई मतलब नहीं पता क्या रहता है, तो ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, तो फिर मैं हेलमेट निकाल दिया। और अब बस मैं वेट कर रहा हूँ उन लोग का, उन लोग अभी तक ही नहीं आए, नहीं पता कितना ज़्यादा स्लो चला रहे हैं। और भाई यहाँ का सीन देखो, पूरा हाईवे का इतना तगड़ा रोड, और वहाँ पे वो देखो, नहीं पता अपन जब दिल्ली मुंबई के हाईवे में जाएंगे तो वो तो बोलते हैं कि 6 लेन है, ये तो बल्कि बस 2 लेन है, वो तो 6 लेन 4 लेन ऐसा ऐसा लेन रहता है वहाँ पर। तो मेरे को ना वहाँ पर जाना है, देखते अब कब जाएंगे नहीं पता, फ्यूचर में आई थिंक कभी प्लान हुआ किसी का तो फिर साथ में चल देंगे। मैं तो भैया लोग के साथ ही जाऊँगा, ऐसे दोस्तों के साथ नॉर्मल नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर किसी बड़े के साथ जाएंगे ना तो वही सही रहेगा। और इन लोग बस आ गए, अब अपन को सीधा सीधा निकलना है। नहीं पता यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ना ये देखो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, क्या चीज़ भैया? अच्छा कैमरा व्लॉगिंग व्लॉगिंग, बड़ा दिक्कत वाला जगह है यार, कहाँ से लेंगे? वो लड़की लोग ले भी लिए भाई, क्या कहीं जाना है? कहाँ? डिंगडोंग सस्ता है, वहीं चलो। मित्रों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम किचन में हैं, इसका मतलब समझ गए होंगे कि हम चाय बना रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ जो कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, देखो अभी हम बना रहे हैं चाय, ठीक है, और ये भी बर्तन सेम है, ये बर्तन भी दोनों सेम है, ठीक है, और इसका क्वांटिटी भी सेम है, इसका क्वांटिटी भी सेम है। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए ना कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा एक्चुअली में रियल दूध है, मतलब पानी मिलावट वाला नहीं है। तो फिर मैंने इसकी गाढ़ाई को देखा, गाढ़ापन को देखा, इसकी गाढ़ापन को देखा, फिर मैं समझ गया कि भाई ये है मिलावट। और इसी तरीके से आज का व्लॉग शुरुआत हुआ है, और आप लोग मेरे दाढ़ी को देख रहे होंगे, बियर्ड को, और तो फिर ना मेरा दाढ़ी एक्चुअली में मैं 1 में ट्रिम मार दिया सुबह। हम लोग शाम को आज साइकिलिंग जा रहे हैं, आजकल कल से चालू करे हैं, देखते हैं कितने दिन तक चलता है। तो संयम मैं जाते हैं, और अभी तो कोई नहीं जाता, यकीन नहीं होगा, अभी सूर्यास्त के लिए 2.5 घंटा बचा हुआ है, तब हम जाएंगे। अभी हम मम्मी के लिए चाय, तो मैं अभी ना संयम का वेट कर रहा था, और कल जहाँ पे अपन लोग मिले थे ना वहीं पर वेट कर रहा था, बट वो आया नहीं है अभी तक, 10 मिनट हो गया। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलता हूँ जहाँ से वो आता है ना, जिस रास्ते से, वहीं पर चलते हैं, देखते हैं क्या पता मिल जाए रास्ते में बीच में। और मेरा साइकिल ऐसा है कि ना पीछे ब्रेक नहीं है, सामने का ही है, और मैं राइट वाले हैंड से ही व्लॉग कर रहा हूँ। ओ भाई, ऐसे मेरा डेंजर रहता है, फिर मेरे को भी ना लड़की बनना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं मोटो ब्लॉग भी नहीं कर सकता। फिर अगर कुछ मान ले बाय चांस कुछ हुआ ना, तो लड़की वाला अपन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो ब्रेक ये दे तो आ रहा इंसान, और कॉल का ही नहीं उठा रहे। ये सीधा गिरता पे भाई, ब्लॉगिंग के चक्कर में ना, मैं कहीं सच में ब्लॉगिंग के चक्कर में भी नाला सुपारे में गिर जाता, और भाई होश नहीं था मेरे को, कॉल क्यों नहीं उठा रहा भाई? देख कितने बार कॉल किया हूं मैं, देख एक बार,
साइलेंट में क्यों रखते हो भाई, एक बात बताओ ना। तो अच्छा वाइब्रेशन में तो तेरे को वाइब्रेट भी नहीं हुआ भाई, ये बड़ा सही लॉजिक है यार। तो गाइस अभी हम लोग ना सन थप्पड़ मार रहे हैं, एकदम सामने से सन का रोशनी आ रहा है, बहुत तेज, ज्यादा तेज मार रहे हैं। तो अपन आज जा रहे हैं शाश्वत लोग के घर, चल रहे हैं। तो गाइस मेरे को ना लेफ्ट हैंड से ज्यादा ब्लॉक करने का आदत नहीं है ना, क्योंकि मैं ऐसे फ्लिप करने में बहुत ज्यादा लुल हूँ, तो इसलिए अभी राइट से ना और शाश्वत के घर जाएंगे, उसको अपने बहुत गंदा लेंगे उसकी। उसको कल अपन व्हाट्सअप चैट में ना रुला दिए पूरा, कल का मैं ब्लॉग नहीं किया अच्छे से, भूल गया अभी भी। संयम संयम देखो क्या बोल रहे हैं। तो अभी अपन लोग पास निकलते हैं, जैसे ही हम लोग उसके यहाँ पे पहुंचेंगे ना कॉलोनी में, तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम लोग पहुंचे ग्लोब चौक, और ना इतने में ही चलाने में अपन सबका हालत खराब हो जा रहा है। बस अभी कहाँ जा रहे हैं शाश्वत, तो कॉल नहीं उठा रहे, सेक्टर 9 चलते हैं। चल ये वाला रोड बहुत प्यारा है, इसलिए यहीं से चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे रुके, यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा था सनसेट, तो ना इतना ज्यादा थक गए अपन लोग। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वाले है, बट यहाँ पे जाने वाले थे यहाँ पे बंद है, और ये वाला एरिया में ना बीच में कुछ बन रहा है वहाँ पर, नहीं पता क्या है वो। और भाई ये एरिया देखा क्या तगड़ा लग रहा है। तो बस अभी अपन यहीं पे देखते, कहीं जाना होता है ना तो जाएंगे, बहुत थक गए पता है, मतलब इतने कितना महीनों बाद चला रहे हो ना, 4-5 महीनों बाद थक गया गाइस, मिलता हूँ मैं बाद में। गाइस अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा चीज होता रहेगा जो अनएक्सपेक्टेड है। और अभी मैं आया हूँ साइकिल के शॉप में, क्योंकि अपन साइकिल चला रहे थे और अचानक से मेरा टायर ना यहाँ पे आके लोहे में चिपक गया, और चलाने में दिक्कत हो रहा था। और अभी अपन लोग दुर्ग में हैं, तो फिर बस भैया इसको ठीक करेंगे अभी। भैया वो देखिए ना, वो वहाँ पे टकरा रहा है, वो चक्का का स्क्रू खोल कर इसको बीच में लाना पड़ेगा, फिर टाइट करना पड़ेगा। वो दूसरा साइड अंकल जरा देख लीजिए एक बार, फिर भी कितना अंकल, हाँ नहीं लगे, थैंक यू अंकल। तो गाइस भैया बहुत अच्छे थे, भैया 1 रुपए भी नहीं दिए, बस स्क्रू टाइट कर रहा था। और अंकल की शॉप का नाम है ये, अगर आप लोग दुर्ग में आते हो तो फिर प्लीज यहाँ पर आ जाइएगा। अभी अपन लोग जा रहे हैं नाना नानी पार्क, और ये इलाके का नाम है नहीं पता। गाइस पहले अपन भी ना यहाँ पे खेलने आते थे मैदान में, बट अब तो बड़े हो गए तो अब साइकिलिंग जाते हैं अपन लोग, और घर में रहते हैं।